वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, बट कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था, आज की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सामने देखें, ठीक है, क्वेश्चन बच्चे हैं, टू व्हाट अमाउंट विल 12,000 एक्युमुलेटेड। तो आप इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं, आप 12,000 रुपीज कर रहे हैं बच्चे, और ये क्या अमाउंट बन जाएगा इन अ 12 ईयर्स। आपके पास में टाइम गिवन है 12 ईयर्स। इफ़ द इन्वेस्टेड एट एन द इफेक्टिव रेट ऑफ 5%, इफेक्टिव कह दिया तो मतलब कि साल का चार्ज हो रहा है आपका, तो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने दिया था, बट आज की क्लासेस में आप कहेंगे सर वो सेम चीज़ आप सिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को सिखा चुके हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको लॉग का यूज़ करना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी लास्ट क्लासेस तक अभी आपको मैंने लॉग का यूज़ करना नहीं सिखाया है। हाँ, लॉग टेबल देखना सिखाया है मैंने, तो आप लॉग से कैसे क्वेश्चन करोगे वो देखें। तो एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + i n^2 आपके पास में n, ठीक है, एंड आपके पास में अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या आपका 12,000 है, 1 + i रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 एंड रेज टू पावर n, n क्या है 12 ईयर्स है। आपके जो फॉर्मूला लिखता है i बाय m रेज टू पावर m इंटू n, वो बच्चे जब लगता है जब आपका क्वार्टर ईयरली हाफ ईयरली कुछ ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप इसको, s इक्वल्स टू 12,000 ब्रैकेट 1.05 रेज टू पावर 12। अब कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, कम मार्क्स का तो डायरेक्ट जा सकते हैं, अगर यही का अच्छे मार्क्स का तो आपको लॉग यूज़ करना पड़ेगा, मैं अभी बताऊँगा लॉग कैसे यूज़ करेंगे। तो 1.05 लिखो, मल्टीप्लाई 1.05 लिख करके आप मल्टीप्लाई प्रेस करो, उसके बाद आप देखो ये 12 है ना, तो यहाँ पर आपका 13 तक नंबर नहीं आ जाए तब तक आपको इक्वल प्रेस करना है। तो जब तक आपको इक्वल प्रेस करना है, ये 13 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे आप, s इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1.795856 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो आपका अमाउंट इक्वल्स टू कितना आ गया, 21,550 रुपीज़, 0.27 समथिंग है, 50 रुपीज़, ठीक है बच्चे, ये अमाउंट आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को लॉग से कैसे करेंगे, आइए ये समझते हैं हम। लॉग टेबल है हमारे पास में, लॉग टेबल है ना, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना बच्चे, कभी मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर रहे हो PDF से नहीं कर सकते हो इसको, तो आप एक लॉग टेबल और ये आपको इस पे मैं परमिशन दे दूंगा, लॉग टेबल की भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, एंटी लॉग टेबल की भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, दोनों को डाउनलोड करने के मैं आपको परमिशन दे दूंगा एप्लीकेशन पे, आप इसको जो है डाउनलोड कर करके और कहीं से भी 2 कॉपी के प्रिंट आउट जरूर लेकर के बैठे, कभी भी बैठे, ठीक है। इवन आपके पास अगर बुक भी है तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 की प्रिंट आउट निकाल लेंगे, बुक के अंदर इतना आगे पीछे करोगे सवाल गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो चलिए बच्चे वही लिखते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + i^n एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या हमारे पास में 1 + i क्या हमारे पास में 0.05, ठीक है, एंड रेज टू पावर n, n क्या हमारे पास में 12। अब क्या कर रहा हूँ मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक जगह नहीं ला सकते ना, कोई भी इम्पैक्ट डालेंगे तो दोनों साइड ही डाल सकते हैं ना, जिससे कि न्यूट्रल रहे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, ये मैं ऊपर ही डाल दूंगा लॉग एंड एंटी लॉग टेबल। अब देखिए बच्चे, लॉग लेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग एस इक्वल्स टू, यहां पर आप अगर आप लॉग लेते हैं, लॉग 12,000 है और इनटू में क्या है आपका 1.05 रेज टू पावर 12। अब आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था, लाइक लॉग ये है ना, ब्रैकेट ले लो, अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो लॉग एस है ही आपका,
अब यहाँ पे लॉग पहले इसको, जब ए है ये और ये क्या है बी है, तो फिर लॉग ए ब्रैकेट ए इंटू बी क्या बताया था मैंने, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे अब आप, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 12,000 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बच्चे? तो लॉग 12,000 की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन ये। तो लॉग 12,000 में, क्योंकि भाई आप लॉग टेबल कभी भी कैलकुलेट करते हो तो आपके पास में चार डिजिट के फॉर्म में हो, या तो एटलीस्ट तीन डिजिट के फॉर्म में हो, अगर दो डिजिट के फॉर्म में तो पॉइंट लगा के जीरो लगा लेते हो, एक डिजिट के फॉर्म में तो भी पॉइंट लगा के डबल जीरो लगा लेते हो, तो सब पॉसिबल है। बट यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो कि ये आपका फाइव डिजिट के केस में है। क्लियर है बच्चे? तो इसको आप क्या करो, एक तरीके से आप इसको स्प्लिट करने की कोशिश करो, लाइक 12 है ना लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको 12 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 1000 को मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 10 रेज टू पावर 3 एंड 12 प्लस, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको पांच डिजिट में वैल्यू आ गई और आपको लॉग निकालना पड़े। ये 12 कहाँ आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगा एंड लॉग 1.05। अब यहाँ पे देखें दिस वन, ये 12,000 है ना आपका दिस वन, तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ अप्लाई करोगे वापस, क्या लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग 10 रेज टू पावर 3 प्लस 12 लॉग 1.05। सॉल्व करेंगे, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 12 की वैल्यू आप लेंगे। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके लिए कि भैया एटलीस्ट तीन डिजिट होना चाहिए, तो ये आप 0.0 कर लो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा एंड क्या हो जाएगा लॉग 10 हो जाएगा ये एंड प्लस में 12 लॉग 1.05। बस अब कहाँ नहीं है सिर्फ लॉग की वैल्यू लेने की। तो लॉग 12 पे 0 क्या होता है, तो मैं अपने हाथ में लॉग टेबल रखता हूँ सबसे पहले, ये है हाँ ये रहा लॉग टेबल, लॉग एस ठीक है ना, तो लॉग 12 की वैल्यू क्या हमारे पास में दिस वन, 12 पे 0 पॉइंट 0.0792 लॉग 12 पे 0 देखोगे, दो डिजिट है ना इसमें से एक माइनस कर दो, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, दो है ना एक माइनस करो तो क्या जाएगा एक, तो 1 point something प्लस 3 लॉग 10 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 पे 0 लिख सकते हो ना इसको, तो क्या होता है 0 point दो डिजिट में है तो एक माइनस करोगे तो एक आ जाएगा दिस वन एंड प्लस 12 और लॉग 10 पे 5 देखो, 10 पे 5 तो क्या है 0212 पॉइंट और कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो इसमें से एक माइनस करोगे तो क्या जाएगा 0 दिस वन। क्लियर है बच्चे? अब आप कैलकुलेटर का तो यूज़ यहाँ पे आपको आप करना है, कैलकुलेटर कहाँ भैया, अभी तो हमने इसको यूज़ कर रहे थे, ये लॉग एस इक्वल्स टू लॉग टेबल देखना सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है बच्चे, तो क्या है आपके पास में, ये 3 1 into 3 प्लस 1.0792 तो आपके पास में आया 4.0792 एंड प्लस 0.0212 इंटू 12 तो आपके पास में आया ये 0.2544 तो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है बेसिकली, मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉग एस थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ तो मिक्स हो जाएगा, लॉग एस इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं प्लस 4.0792 तो आपके पास में 4.3336। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग निकालोगे, एस इक्वल्स टू अब आप क्या करें यहाँ पर
ये लॉग नीचे चला जाएगा ना, तो एंटी लॉग ऑफ दिस 4.33, ये देखो चार डिजिट में ही हम लेके चलते हैं, ये पांचवा दस को आप फोर एज अ कंसीडर कर लो, ठीक है बच्चे। तो अब एंटी लॉग निकालना है आपको 43 पे 34, एंटी लॉग टेबल लेंगे, तो एंटी लॉग टेबल में जाएंगे आप, एंटी लॉग टेबल में आपका 43 पे 3, 43 पे 0, 1, 2, 3, 2710, और 43 पे 3 पे आ गया, उसके बाद फिर 4 पे आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम 43 पे जाएंगे, ये आपका 1, 2, 3, 4, 4 पे आपका 3 है दिस वन, तो 2713। तो क्या है लॉग टेबल में हमारे पास में, एस इक्वल्स टू उसकी वैल्यू 2713। अब डेसिमल डिसाइड कैसे करते हैं, पॉइंट क्या, अगर वन इसमें एक ऐड करो तो 5 डिजिट का पॉइंट आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 दिस वन, क्लियर है बच्चे। 27130 और इसमें 21550, थोड़ा ज़्यादा आंसर वेरी कर गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया लॉग टेबल में। एंटी लॉग 43 पे 3 देखते हैं ना, 43 0 1 2 3, 27 10 ही है, एक सेकेंड। देखो बच्चे जो मिस्टेक है वो कहाँ थी मिस्टेक, आपके एंटी लॉग वैल्यू आपको लॉग टेबल में सिखाया मैंने, एंटी लॉग टेबल में कि हम पॉइंट के बाद जो हमारा मेंटिसा होता है इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमने 33 36 का हमें एंटी लॉग वैल्यू निकालना है अपने एंटी लॉग टेबल से, तो आपके पास पे क्या आएगा 2153 एंड मेन डिफरेंस में 6 पे जाओगे देन दिस, तो ये आपके पास पे 2156 आ गया दिस वन, बट आप इसको पता है कि इसके आगे कितना है 4, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो 5 डिजिट का डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लगाना है, तो यहाँ पे 5 डिजिट बनाने के लिए 0 यहाँ पे लगाएंगे फिर 5 डिजिट का डेसिमल, तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है बच्चे, समझ में आया, कोई डाउट। तो आपके पास पे इसकी एंटी लॉग वैल्यू क्या है 2156, ये 4 में ऐड कर दिया 5 डिजिट पॉइंट, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, तो बेसिकली आंसर क्या है 21560, ये क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, कोई डाउट। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से लॉग टेबल देखना आ गया, एंटी लॉग टेबल देखना आ गया और आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना आ गया है।